नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार चंपत शाहजहांपुर से, फार्मर द जर्नलिस्ट। कृषि जागरण के इस खास प्रोग्राम में आज हम आपको अमल ताल पेड़ के बारे में जानकारी देंगे। अमल ताल का पेड़ कैसा होता है, उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कहां पाया जाता है और किस मानसून में लगाया जाता है, किसान भाई अगर उस पेड़ को लगाएँ तो कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, पेड़ देखने में कैसा है, आइए जानते हैं। अमल ताल पेड़ जितना देखने में खूबसूरत होता है उतने ही उसके गुण होते हैं। अमल ताल पेड़ के कई वैज्ञानिक नाम होते हैं, लेकिन अमल ताल का पेड़ हर मर्ज की दवा है। इस पेड़ का फल से लेकर फूल, पत्ती और तना हर भाग काफ़ी सेहत के लिए गुणकारी होता है। आयुर्वेद में इसको औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह गैस, कब्ज, गाठिया, डायबिटीज आदि बीमारियों से निजात दिलाने के लिए काफ़ी कारगर साबित होता है। आयुर्वेद के अनुसार अमल ताल के इस्तेमाल से बुखार, पेट की बीमारियां, त्वचा रोग, खांसी, टीवी, हृदय रोग आदि से निजात दिलाता है। इतना ही नहीं, अमल ताल के फायदे और भी हैं जिसकी जानकारी आप अमल ताल के लाभ ले सकते हैं। आम तौर पर अमल ताल को भारत में अमल ताम के नाम से ही जाने जाते हैं, लेकिन देश विदेशों में इसके विभिन्न प्रकार के नाम हैं, जैसे वनस्पतिक नाम कैसिया पिस्टुला है। अमल ताल का पेड़ अप्रैल, मई और जून के दिनों में फूल दिखने लगते हैं। यह पेड़ पूरी तरह से पीले फूलों से लदा जाता है। इस पेड़ को गोल्डन शावर ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम को लेकर कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि इस समय अमल ताल के पेड़ को फूल खिलते हैं, इसके 2 महीने के अंदर ही बारिश जरूर होती है। दूसरे शब्दों में इसलिए गोल्डन शावर ट्री कहा जाता है क्योंकि इसके पेड़ पर लगे पीले फूल जब गिरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सोने की बारिश हो रही हो। इस पेड़ को अमल ताल के अलावा 2 और नामों से जाना जाता है। अमल ताल के बीज एक लसदार काले पदार्थ के साथ फली के अंदर होते हैं। इसके अंदर जो पदार्थ होता है उसकी गंध बहुत तीखी होती है। इन फलियों के अंदर 30 से 100 बीज निकलते हैं। इन बीजों का रंग भूरा होता है। अगर इस पेड़ की शाखाओं को छीला जाता है तो इसके अंदर लाल रंग का रस निकलता है। जब यह रस सूख जाता है तो यह गोंद बन जाता है। अमल ताल को थाईलैंड में डोक क्यूब के नाम से भी जाना जाता है। यह थाईलैंड का राष्ट्रीय फूल है। थाईलैंड में यह बहुत अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं। पीले और सुनहरे फूलों का सामाजिक होता है। अमल ताल का पेड़ काफ़ी महत्वपूर्ण पेड़ों में से एक होता है। इसके फल, फूल व तना, पत्तियां सभी का इस्तेमाल औषधि गुणों के लिए किया जाता है। ऐसे हम किसान भाइयों से अपील करेंगे कि वह भी अपने आसपास खेतों में अमल ताल के पेड़ लगाएं, ताकि उसकी बिक्री कर लाभ उठा सकते हैं। अमल ताल के पेड़ के बारे में अधिकांश लोगों को इसकी महत्वपूर्णता की जानकारी नहीं होते हैं। ऐसे में अधिकांश लोग इस पेड़ को नहीं लगाते हैं, लेकिन लगाना चाहिए।